सब के लिए आदर्श व्यक्तित्व, हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय एक पूज्य स्वामी जी, जो पूरे विश्व को एक असल मार्ग में चलाने के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ऐसे युग पुरुष का जो स्नेह हम सबको मिला हुआ है, हम सब भाग्यशाली हैं। हमारे इस कार्यक्रम में स्वामी जी स्वयं उपस्थित होकर हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, हम सबको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम सबको अपने भाषा संस्कृति साहित्य संस्कार को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे बीच में है, ये अवसर ज़्यादा न खोए हुए मैं पूज्य स्वामी जी को आशीर्वचन के लिए विनती करता हूँ। पूरा उत्सव का वातावरण है, मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, वंदे वंदे। सबै नेपाली भाई बहनी हरुलाई मेरो हृदय देखी नई प्रणाम। आप सब आज हरि तालिका तीज का पावन उत्सव मनाने के लिए आए हैं, तो हरि तालिका तीज को मंगलमय शुभकामना छे। और आप सब इतने श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आए हैं, इतने प्रेम से यहाँ पर आए हैं, अपने भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने गौरवशाली अतीत को अपने हृदय में समेट करके और इस मातृभूमि के लिए, अपनी मातृ संस्कृति के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए अपने हृदय में अनन्य प्यार लेकर के आप निरंतर पुरुषार्थ और तप कर रहे हैं। और आज इस अनुष्ठान को आशीर्वाद देने के लिए पांचवा वर्ष हमारा स्वाभिमान का ये हरितालिका तीज का उत्सव आप निरंतर मना रहे हैं, और इस बार हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय किरण जी यहाँ पर आए, एक बार किरण रिजिजू जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन है। जैसा कि इस अमरोसा विमान के पीछे जिनकी मूल प्रेरणा रही है, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य बागशन जी महाराज, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं किरण जी को कहूँ कि वो इस आयोजन में आए, और वो बहुत प्रेम पूर्वक यहाँ पर आए। और अभी उनको जाना है, नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा कार्यक्रम है, मैं कम से कम इनके जाने के बाद भी एक डेढ़ घंटा आपके बीच में और रहने वाला, इसलिए मंत्री जी को आपको थोड़ा उनका प्रबोधन होगा, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे बीच में जिनके हृदय में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, भारत और भारतीयता के लिए अनन्य प्रेम है, ऐसे सूर्य फाउंडेशन के चेयरमैन जेपी अग्रवाल जी, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे भाई प्रेम क्षत्री जी, अनीता जी, देवदत्त जी, और जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, हमरो स्वाभिमान के सभी हमारे भाई बहन, हमारे सभी भारत स्वाभिमान के भी भाई राकेश जी, डॉक्टर गोलिया जी, भाई तिजारावाला जी, हमारे मोतीलाल जी आदि सभी बहुत उत्साह से यहाँ पर आए हैं। इस समय देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है आपस में हम मिलजुल करके रहें। जातीय संघर्ष, भाषागत संघर्ष, मजहबी संघर्ष, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत, कहीं स्वर्ण एकता के नारे लग रहे हैं, कहीं दलित एकता, कहीं ओबीसी एकता, कहीं और ब्राह्मण एकता, इन सब के बीच में मैं मानता हूं राष्ट्रीय एकता हमारे हृदयों में सबसे ऊपर होनी चाहिए। और उस राष्ट्रीय एकता के भाव में हमें सभी प्रकार के संघर्षों से पार निकल करके इस बात के लिए संघर्ष करना है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूं।
मैं अपनी भारत माता के लिए क्या कर सकता हूं। जैसा कि पूज्य आचार्य मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि जब भी इस राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रभुता का गौरवगान किया जाता है उसमें हमारे नेपाली और गोर्खाली भाइयों का भी योगदान हमेशा एक शिखर पर होता है, क्योंकि भारत की आज से नहीं हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति में हमारे नेपाली भाई बहनों का, गोर्खाली भाई बहनों का उतना ही महिमा, उतना ही उनका गौरव है जैसे हमारे यहाँ पर गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा भाषियों का है। दरअसल नेपाल राष्ट्र हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और उसमें भी राजनीतिक सीमा भिन्न होते हुए भी भाषा, संस्कृति, सभ्यता की एकता होने के साथ साथ कुछ लोगों में राष्ट्रीयता को लेकर के, नागरिकता को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन भारत के संविधान ने जितना हमारी राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं को गौरव दिया है वैसा ही नेपाली भाषा को भी भारत के संविधान ने गौरव दिया है और उसके लिए हमारे हृदयों में भी उतना ही गौरव होना चाहिए। कई बार नेपाली भाषा तो नेपाल की भाषा है ऐसा किसी किसी के मन में आ जाता है, माना नेपाली भाषा नेपाल राष्ट्र की भी भाषा है लेकिन नेपाली भाषा भारत की भी भाषा है, इसको हमारे हृदय में बहुत बड़ा गौरव होना चाहिए। और उस नेपाली संस्कृति, नेपाली सभ्यता, नेपाली नृत्य, वैसे भी आप सभी संगीत प्रिय हैं और आज का पूरा कार्यक्रम वो कला और संगीत पर अधिक केंद्रित है। हमारे सभी साधु संत महापुरुष भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे लेकर के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम सबको एक संकल्प लेकर के जाना है कि अपने बच्चों के दिलों में अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा, हमें अपनी मातृभाषा पर बहुत गौरव होना चाहिए, अपनी मातृभूमि पर गौरव होना चाहिए। यही हमने इस देश को सिखाया और उसको जी करके दिखाया है। आज अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी परंपराओं का गौरवगान अपने हृदय में लेते हुए, उनकी महिमा को अपने हृदय में धारण करते हुए सभी हमारे नेपाली भाषा भाषी भाई बहन, मैं देख रहा हूँ अभी जगह पूरी भर गई है लेकिन आने वाले और आते ही जा रहे हैं, कहाँ जितना भी हो सकेगा मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएगी। एक बार आपकी उपस्थिति को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता कि चाहे यह तालकटोरा स्टेडियम पूरा भर गया हो लेकिन आपकी संख्या, आपका आगमन अभी जारी है और शाम तक ये उत्सव चलने वाला है। आप अपने हृदय में बस आज एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम व्यवहार में आपने यहाँ पर पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी बोलते हैं लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी और विदेशी भाषाएं, चाहे आप अंग्रेजी बोलें, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और जितनी भी भाषाएं बोले लेकिन अपने घरों में अपने बच्चों से व्यवहार में आप नेपाली भाषा को भी बोलने में गौरव का अनुभव करें। और जब नेपाली भाई बहन आपस में मिलते हैं तब नेपाली भाषा को, नेपाली संस्कृति और सभ्यता को गौरव दें, इससे अपनी जड़ों से आप जुड़े रहते हैं। और अंत में एक बात ये कहता हुआ कि हम अपने हृदय में अपने राष्ट्र की, अपने भारत माता की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संकल्प लेकर के मेरा अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर्तव्य है, मेरा अपनी मातृभूमि के लिए क्या उत्तरदायित्व है, और एक एक व्यक्ति मिलकर के जब अपनी इस मातृभूमि की आराधना पे अपने कर्म को अपना धर्म मान करके इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ ही वर्षों में ये भारत माता पुनः परम वैभवशाली जगत गुरु और विश्व गुरु के गरिमामय पद पर पहुंचेगी और इसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इस संकल्प के साथ मेरे साथ एक बार मिलकर के बोलेंगे एक छोटा सा नेपाली गीत, आज गीत संगीत बहुत चल रहा है ना, तो मैं भी दो लाइन बोल देता हूँ। आप लोग बोलते ही रहते हो कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, फूल को आँखा मा फूलै संसार, काढ़ा को आँखा मा
काढ़े संसार फूल को आखा मा फूले संसार काढ़ा को आखा मा काढ़े संसार काढ़ा को आखा मा काढ़े संसार। बोले भारत माता की। श्रद्धेय स्वामीजी का गरिमामय अनि ओजपूर्ण आशीर्वचनले अभिभूत भएपछि अब हामी बीच हाम्रो यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि भारत सरकार के केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी को मैं स्टेजमै आमन्त्रित गर्दा हुँ। आप सब ताली के साथ स्वागत और अभिनन्दन प्रकट करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हम सबका प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, नारायण श्रेष्ठ जी, श्रीमती अनिता छेत्री जी, श्री देवेंद्र दत्त जी, और जो हमारे बीच में नहीं है लेकिन अभी अभी संदेश भेजा और हमको लगता है कि वो हमारे बीच में है, आचार्य बालकृष्ण जी, और तमाम नेपाली भाषी हिंदुस्तान और नेपाल आसपास से आए हुए भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको आज के इस शुभ अवसर हरितालिका तीज महोत्सव के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे लिए नेपाली समाज और हमारे जो संपूर्ण गोरखाली समाज का कोई भी कार्यक्रम महोत्सव हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम हो, मुझे आपके बीच में आना हमेशा से आनंद बहुत से अच्छा लगता है, हमेशा से ये मेरा मन में रहा है। आज आपके बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा पूजनीय बाबा रामदेव जी खुद मुझे हरिद्वार से भी फ़ोन किया, बोला कि आप आज बाहर जा रहे हैं लेकिन कम से कम एक घंटे हमारे नेपाली समाज के लिए आप समय दीजिए। तो मैंने कहा कि समय तो हम दिन भर देना चाहते हैं लेकिन मैं क्योंकि आधा दिन में रहूँगा इसलिए आपके साथ मैं ज़रूर समय बीतूँगा, इसलिए आपके बीच में आकर के मुझे मन से बहुत खुशी महसूस हो रही है। और क्योंकि आज महिलाओं का खास करके ये त्यौहार है और बड़ी संख्या में जो नेपाली समाज की महिलाएं बहनें आई हैं, मैं खास करके आपको अभिनंदन करना चाहता हूं, आपके लिए हम लोग सब आए हैं। हर समाज का एक अपना चरित्र होता है, एक कैरेक्टर होता है, हर देश का भी एक चरित्र होता है। और जब हम लोग नेपाली कहता है गोरखाली, आजकल के संपूर्ण रूप से भारत में एक गोरखा समाज के नाम से जानते हैं, नेपाली या गोरखाली जब ये शब्द सुनता है तो कुछ चीज मन में आता है कि नेपाली मतलब क्या है, कौन नेपाली होता है और नेपाली कैसे होता है, कौन लोग हैं। नेपाली जब शब्द आता है सबसे पहले ये आता है कि नेपाली लोग अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। अच्छा इंसान का स्वरूप एक नेपाली में दिखाई देता है। उसके बाद ऑनेस्टी, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं नेपाली लोग। ये आज का मैं अभी कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, वर्षों से ये इतिहास है, परंपरागत जब भी ये चीज़ हमने देखा है सुना है कि नेपाली लोग बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत मेहनती होता है, और जो गोरखाली होता है बहुत हिम्मत होता है, वो डरते नहीं हैं। हिम्मत मतलब किसी को डरा धमका के घूमने वाला नहीं, अपने सत्य के रास्ता पर चल करके किसी के सामने झुकता नहीं है, ये है नेपाली का पहचान। इसलिए चाहे नेपाल के नेपाली हो या हिंदुस्तान के नेपाली हो, एक ही है। हमारा पूजनीय बाबा रामदेव जी ने कुछ चीज़ें आपको बताया है, मैं बहुत लंबा से उसको यहाँ बताने का कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष जब हम लोग कहता है, भारत का जो इतिहास हम देखेंगे या भारत का संस्कृति देखेंगे तो नेपाली संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति पूरा नहीं होता है, अधूरा है।
क्योंकि राजनीतिक तौर पर नेपाल एक देश है, भारत एक देश है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा जो पूरा इतिहास देखिए, भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं दिखता है, एक ही है, लेकिन दो देश बना है, ये एक पॉलिटिकल हमारा आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे बाबा जी ने कहा है कि नेपाली भाषा ही भारत के 8वीं सूची संविधान में नेपाली भाषा है, मतलब ये हमारा भाषा है। कोई हिंदुस्तान में किसी को गलत फहमी होता होगा कि नेपाली कहता है तो वो नेपाल के नेपाली से जुड़ते हैं। हम चाहे काठमांडू में जाओ, पोखरा में जाओ, या हम दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, हम और नेपाल में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम विकसित होना है तो सामूहिक रूप से एक साथ हम विकसित हो सकता है। अभी अभी हमने हमारा गृह मंत्रालय में एक बैठक बुलाया, मैंने मेरे कुछ साथियों को बुला करके और नेपाली समाज के लिए काम करने वालों को मैंने बात किया और कहा कि हमारे हिंदुस्तान इस भारतवर्ष को बनाने में बचाने में ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकता है गोरखा समाज का इस देश को बचाने में बनाने में कितना योगदान है। इसलिए हमारा जो मिलिट्री में पैरामिलिट्री फोर्स में हमारा नेपाली समाज के लोग कितना संपूर्ण रूप से जो योगदान दिया है इसको पहचानना जरूरी है। इसलिए हमने अपने गृह मंत्रालय में ये प्रावधान रखने का निर्णय किया है कि जो रिलैक्सेशन जो भारत के अन्य ट्राइबल्स शेड्यूल कास्ट और बाकी लोगों का हाइट जो आपका जो शरीर का हाइट है इसको लेकर के रिलैक्सेशन जो देने का जो प्रावधान है ये रिलैक्सेशन हम पूरा नेपाली समाज को भी हम प्रदान करेंगे। ये हमने अभी निर्णय कर लिया है लेकिन उसको आधिकारिक रूप से उसको एक रूप देना है, ये हम उसका काम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब इंग्लैंड गए थे आज से कई साल पहले, मैं जब सांसद था 2004-05 की बात है, तो वहाँ पता चला कि अंग्रेजों ने हमारा गोरखा जो वहाँ फोर्सेस में काम करते हैं उनके लिए कुछ जातियाँ की हैं, उनका जो हक है पूरा दिया नहीं है। जब लंदन में पता चला कि नेपाली समाज के लिए कुछ अंग्रेजी लोग और कुछ नेपाली लोग संगठित रूप से प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ और मैं भी वहाँ कूद गया और साथ देने पहुँच गया, क्योंकि ये दिल से होता है, ये कहने के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए। इसलिए मेरे लिए मेरे गांव में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं लोकसभा में रिप्रेजेंट करता हूं, आप वहां के किसी भी नेपाली समाज को पूछ ले, चाहे मंदिर बनाना हो, त्योहार मनाना हो, चाहे पिकनिक खाना हो, जब चाहे मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, जब भी आ सकते हैं, मुझसे मदद ले सकते हैं। इसलिए वहाँ राजनीतिक तौर पर भी पूरा नेपाली समाज हमेशा मेरा पीछे खड़ा रहता है। वो कारण है क्योंकि हम लोग आपस में एक सद्भाव का माहौल बना कर रखा हुआ है, प्यार बांटता है, चाहे वो असम में नेपाली हो, चाहे दार्जिलिंग का गोरखाली हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, मेरे लिए कोई जगह जो है मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हर गोरखाली हर नेपाली समाज के जो अंग है वो मेरा ही अंग है, मैं अपना मानता हूँ। इसलिए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार में आपके बीच में आने का जो मौका मिला, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग मैं शायद मिल चुका हूँ, बहुत से लोगों से मेरा परिचय नहीं हुआ और बहुत से लोगों को मैं नाम से जानता हूँ, उनके काम से जानता हूँ, लेकिन इस तरह कार्यक्रम में मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज ये तालकोतरा स्टेडियम को तो आप लोगों ने भर दिया है, अगर इससे बड़ा स्टेडियम होता तो भी पूरा भर जाता, इतने लोग आप लोग आए हैं और जो आपका उत्साह मैंने देखा है और यहाँ गीत गा रहा था हमारे बहनों ने, यहाँ में नाच भी किया, ये क्या है कि एक नेचुरली आता है। मैंने पिछली बार नेपाली समाज के कार्यक्रम में मैंने बोला था, नेपाली गोरखाली का एक बहुत बड़ा पहचान है वो जो मस्ती जो करते हैं, जो दिल से वो फुर्ती करता है, म्यूजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो म्यूजिक होता है, नेपाली का जो गीत होता है, नेपाली नाच होता है, वो अलग होता है। इसलिए नेपाली लोग बहुत म्यूजिकल भी होता है, गीत संगीत में नेपालियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी आप नेपाली धुन सुनिए,
नेपाली गाना नेपाली धुन सुनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, वो झूमने लग जाता है। गांव में तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रोक्सी बोलते हैं, आरा रोक्सी बोलते हैं, रोक्सी पी करके। हमारे वहाँ में हम लोग जब त्यौहार करते हैं तो जब तक हमारा उस समाज में नेपाली लोग का वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हमारा त्यौहार भी अधूरा होता है। खाता है, पीता है, मस्ती करता है, सीधा है, इतना फुर्ती होता है। इसलिए मैं ईर्ष्या हो रहा हूँ क्योंकि बाबा जी तो और 2 घंटे आपके बीच में रहने वाले हैं तो यहाँ गीत संगीत बहुत होगा, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं होने से भी मैं वो जो महसूस कर सकता हूँ कि कितना यहाँ मस्ती होगा, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, जवान काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं आज फिर से आपको इस हरितालिका के ये जो महोत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में जितने भी लोग आए हैं मैं आपको पुनः मेरे तरफ से मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला, मुझे आमंत्रित किया, मैं जो कमिटी है इस त्यौहार के जो महोत्सव के समिति है उस समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनः हमारा बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, आपने जो काम किया है ना, इसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। ये हमरो स्वाभिमान, आपका भारत स्वाभिमान भी है और ये जो नेपालियों के लिए हमरो स्वाभिमान का जो किया है, संगठित रूप से आपने जो कदम उठाया, मैं आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे पूजनीय रामदेव जी आप दोनों को भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया हमारे पूरा गोरखाली समाज के लिए। ये जो संगठित रूप से आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, भविष्य में भी मैं आपका समर्थन में इस तरह के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से मेरा मदद या मेरा किसी प्रकार का सहायता जरूरत होगा तो मैं आपके खुले मन से आपका साथ रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किरण जी को क्योंकि जाना है इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा, हमारे दार्जिलिंग में जो नेपाली और गोरखाली भाइयों के साथ और भाषा के लिए भी जो कुछ वहाँ कुछ थोड़ा गड़बड़ झाला हो रहा उसको भी ठीक करने में आप मदद करेंगे, ये आपकी तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी संग ऑनरेबल मिनिस्टर किरण जी संग यो हाम्रो जो कमिटी छ उहाँलाई आशीर्वाद दिनको लागि म उहाँलाई विनम्र निवेदन गर्छु। र परम पूज्य आचार्य महाराज जी यो प्रोग्राम जो है जिसकी अध्यक्षता तो सब सारे ही टीम ने किया है, जो मेन है वो देवेंद्र दास जी हैं और अनीता जी हैं, उनके लिए जोरदार ताली के साथ मैं उनको मंच में बुलाना चाहूँगा। इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है, मेहनत तो सारी टीम ने करी है लेकिन इन दोनों का विशेष योगदान है। आप आए और इनका इन दोनों का जो है सम्मान करें।